फॉल आर्मी वॉर्म स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपर्डा एक आक्रामक नाशी जीव है जो जून 2018 तक भारत में नहीं था। यह पॉलीफेगस लेबिटोप्टेरन नाशी जीव है जो मूल रूप से अमेरिका में पाया जाता था। यह मुख्यतः मक्का से भोजन ग्रहण करता है, लेकिन इसे 80 से अधिक वनस्पति प्रजातियों से भोजन ग्रहण करता हुआ पाया गया है, जिससे मक्का, धान, चारा, रागी, गन्ना और कुछ सब्जियों की फसलों को बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। यह नाशी जीव मूल रूप में अमेरिका में था, तथापि वर्ष 2015 में यह वहां से निकलकर अफ्रीका में आया, जहां पर इसने मक्का की फसल को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई और उसके बाद 2 वर्ष के अंतराल में यह अफ्रीका महाद्वीप के 40 से अधिक अन्य देशों में फैल गया और वहां इसने मक्का की फसल को व्यापक स्तर पर क्षति पहुंचाई। भारत में इसे सबसे पहले जुलाई 2018 में कर्नाटक के शिवमोगा जिले में नोटिस किया गया और इसके पश्चात तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी फॉल आर्मी वॉर्म के पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। कर्नाटक के हासन, दावणगेरे और चित्रदुर्गा जिलों के मक्का उत्पादन वाले क्षेत्रों में फसलों को अत्यधिक क्षति पाई गई। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार ने अगस्त 2018 के प्रथम सप्ताह में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात राज्यों में फसलों को हुई क्षति का मूल्यांकन करने और इस नाशी जीव पर नियंत्रण करने के लिए व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण किए। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों डॉक्टर मल्होत्रा, कृषि आयुक्त डॉक्टर एन सत्यनारायणा, संयुक्त निदेशक एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन विभाग फरीदाबाद, केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों और राज्य कृषि विभागों के अधिकारियों ने सर्वेक्षण के दौरान प्रभावित किसानों के साथ विस्तार पूर्वक बातचीत की। वयस्क मादा कीट बहुत अधिक मात्रा में परतों में इकट्ठे अंडे देती है, जो मक्का के डंठल आदि के आसपास अंदर की तरफ तथा पत्तों की अंदर की सतह पर पड़े रहते हैं। अंडे सेने के बाद निकला पहला इंस्टार लार्वा शीघ्र ही डंठलों की तरफ फैल जाता है और 200 से अधिक अंडे दिए जाने के बावजूद मांस भक्षण के कारण केवल 2 या 3 लार्वा ही पौधों पर बचते हैं। शेष सभी लार्वा विकसित हो रहे लार्वा द्वारा खा लिए जाते हैं। पहला इंस्टार लार्वा पत्ते के उत्तकों को नष्ट करके पत्तों पर चमकीली पारदर्शी झिल्ली छोड़ता है और नरम पत्तों से भोजन लेकर जीवित रहता है। व्यापक स्तर पर पत्तों का झड़ना, पत्तों में कैंची से कटे हुए जैसे अनियमित छेद, पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े और पौधे के डंठलों और पत्तों के पास नम मल पदार्थ आदि विकसित फॉल आर्मी वॉर्म के होने के मुख्य लक्षण हैं। वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के अधिकारियों पदाधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण के दौरान कई प्राकृतिक शत्रु जैसे कि परभक्षी, उदाहरणतया लेडीबर्ड बीटल, एयरविक भी पाए गए, जो विभिन्न अवस्थाओं के फॉल आर्मी वॉर्म को खा रहे थे। खेतों में ट्राइकोग्रामा प्रजाति और टेलिनोमस रीमस जैसे पैरासिटॉइड के अंडे पाए गए, जो कि फॉल आर्मी वॉर्म के अंडे खाकर जीवित रहते हैं। फॉल आर्मी वॉर्म के विभिन्न इंस्टार को प्रभावित करने वाला रोगजनक कीट फंगस के साथ लार्वा का तीव्र प्रकार प्राकृतिक संक्रमण पाया गया। हासन, शिवमोगा और हैदराबाद में उसके आसपास के क्षेत्रों में रोगजनक कीट फंगस का संक्रमण बहुत अधिक पाया गया। सर्वेक्षण के दौरान कर्नाटक में किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि वे खेतों में रोगजनक कीट फंगस से प्राकृतिक रूप से संक्रमित लार्वा को एकत्र करें और एकत्र किए गए संक्रमित लार्वा को मसल कर फंगस काढ़ा तैयार करें
जिसे वे फॉल आर्मी वॉर्म को नष्ट करने के लिए छिड़काव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कर्नाटक में किसानों ने अपने संक्रमित खेतों में फंगल काढ़े से छिड़काव किया। छिड़काव के 10-15 दिनों के भीतर बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। क्षेत्रीय केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र बेंगलुरु ने फंगस को अलग करके साफ किया और इसे मेटारिज़म एनिसोप्लिया के रूप में चिन्हित किया। केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र बेंगलुरु द्वारा इस पर नियंत्रण करने के लिए मेटारिज़म एनिसोप्लिका किसानों को वितरण करने हेतु व्यापक स्तर पर उत्पादन किया गया। दिस इज द एंटोमोपैथोजेनिक फंगाई स्प्रेड प्लॉट वेयर यू कैन सी एवरीवेयर द लार्वास आर इन्फेस्टेड विद एंटोमोपैथोजेनिक फंगाई। सो सिंस वन मंथ बैक we visited this plot and insisted farmers for spraying of extraction of entomopathogenic fungi available locally. The farmer has done, and we can see that in the every plant the larvae are dead. So we can see that. क्षेत्रीय केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र बेंगलुरु किसानों द्वारा रोगजनक कीट फंगस का अपने ही खेतों में उत्पादन करके उसके प्रयोग करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में देश में इस प्रकार के जैव नियंत्रण पद्धति का फॉल आर्मी वॉर्म पर नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।